नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। बच्चों, इस वीडियो से पहले आप मेरे चैनल पर जाकर कक्षा 9 का गुणनखंड ज्ञात करने वाला यानी कि फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जरूर देखिए। उससे आपको ये टॉपिक सीखने में ज्यादा मदद मिलेगी। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि अब हम इसे कैसे इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे जो पहला स्टेप होता है बच्चों, वो ये होता है कि यहां पर x की सबसे बड़ी घात के साथ x स्क्वायर के साथ जो नंबर है 12, और यहां पर बिना x वाला जो नंबर है 1, इन दोनों को हम गुना करेंगे। तो देखिए, 12 को जब 1 से गुना करेंगे और ये है +12 और ये है +1, तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 एकम 12, और इसके साथ जो निशान आएगा वो आएगा प्लस का, वो आएगा प्लस का। अब हमें इस बारह के फैक्टर ढूंढने हैं। इस वाले 12 के हमें फैक्टर ढूंढने हैं। 12 आता है एक के पहाड़े में, 1 × 12 12, उसके बाद आता है 2 × 6 12, और उसके बाद आता है 3 × 4 12। इसके अलावा और किसी भी पहाड़े में 12 नहीं आता है। ठीक है बच्चों, अब हमें देखना है, ये तीन जोड़े हमारे पास हैं, हमें देखना है इन तीनों में से किस जोड़े को प्लस या माइनस करके ये बीच वाली रकम 7 बनती है। तो देखिए, 12 में 1 प्लस किया 13, 12 में से 1 माइनस किया 11, 6 में 2 प्लस किए 8, 6 में से 2 माइनस किए 4, हमें चाहिए 7, 4 में 3 प्लस किया 7, 4 में से 3 माइनस किया 1। इसका मतलब ये जो जोड़ा है 4 और 3, इनको प्लस करके हमें ये 7 मिल जाएगा। तो बच्चों, इसको करने का तरीका मैंने शायद आपको पहले पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, दोबारा देख लो। पहली रकम को बिल्कुल आपने ऐसे ही लिख देना है जैसे ऊपर दी हुई है 12x2। आखिरी जो रकम है +1, उसको भी ऐसे ही लिख देना है। अब बीच में क्या आएगा बच्चों, ये जो आपने जोड़ा सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया 3 और 4, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच वाली रकम है 7। तो हमने देखना है इस जोड़े में से किन दो नंबरों को आपस में प्लस या माइनस करके बीच वाली रकम 7 बनती है। तो 4 और 3 को प्लस करके 7 बनती है। तो ये जो जोड़ा हमने सिलेक्ट किया है इन दोनों के साथ, यहां एक्स है तो दोनों के साथ ही एक्स लग जाएगा, 3 के साथ भी एक्स 4 के साथ भी एक्स। ठीक है बच्चों, अभी इनके साथ मैंने कोई निशान नहीं डाला। अब आप ध्यान से देखना जो मैं समझाने जा रहा हूं। यदि यहां पर ये जो आपने शुरू में ही इस एक्स स्क्वेयर के साथ वाले गुणांक को और बिना एक्स वाली रकम को गुना करके +12 निकाला था, इसके साथ यदि प्लस का साइन है, इसका मतलब इन दोनों के साइन एक जैसे होंगे। एक जैसे का मतलब यदि यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, यदि यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा। ठीक है, और यदि यहां माइनस होता तो इनके निशान उल्टे होते एक दूसरे से, यानी एक जगह प्लस और एक जगह माइनस होता। अभी यहां आया है +12, इसका मतलब इनके निशान एक जैसे होंगे। अब प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, वो यहां से देखो, यहां कौन सा निशान है माइनस, इसका मतलब ये दोनों निशान माइनस के होंगे। तो यहां भी मैंने माइनस लगा दिया, यहां भी मैंने माइनस लगा दिया। अगले स्टेप में मैंने देखना है, दो जोड़े बन गए, पहला जोड़ा है ये, दूसरा जोड़ा है ये। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना है। देखिए ध्यान से, ये है 12, ये है 3, दोनों किसके पहाड़े में जाएंगे, 3 के पहाड़े में जाएंगे। यहां 2x है, x की पावर 2, यहां 1x है, इसका मतलब 1x कॉमन लिया जा सकता है। अब 12x² को जब 3x से भाग करोगे, देखो 12 को 3 से भाग किया 4, x² को x से भाग किया 1x से 1x कट जाएगा, बाकी 1x बच जाएगा। ठीक है, माइनस 3x में से 3x बाहर चला गया, 3x को 3 से x से भाग कर दिया तो बाकी आया 1, ये मेरे पास बच गया। अब यहां देखो, यह है 4x-1, ये लेकिन यह है -4x+1, यानी है तो यही चीज है, बस साइन उल्टे हैं। यदि साइन सीधे करने हो तो क्या करो, इसमें से -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लेते ही ये जो -4x है, इसमें से माइनस बाहर चला गया तो बाकी रह गया 4x, +1 में से माइनस कॉमन चला गया, प्लस को माइनस से भाग किया तो आया माइनस, और यह है 1। अब ये भी 4x-1 है और ये भी 4x-1 है, तो 4x-1 अब आ जाएगा कॉमन। कॉमन आते ही सबसे पहले पहली रकम देखो, ये मैंने छुपा दी पहली, इसकी पहले वाली रकम मैंने छुपा, दूसरी रकम छुपा दी। पहली रकम में से ये 4x-1 को तो मैं बाहर ले गया, बाकी क्या बच गया 3x, बाकी क्या बच गया 3x।
इसी तरीके से दूसरी रकम में से ये 4x माइनस वन को तो मैं बाहर ले गया, बाकी क्या बच गया? माइनस वन। बाकी क्या बच गया बच्चों? माइनस वन बच गया। ये ही गुणनखंड है इस बहुपद के, ये जो दो है यही, ये 4x माइनस वन गुना 3x माइनस वन, यही 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस वन के गुणनखंड है। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। आइए हम फटाफट से इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं। दूसरे भाग में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सबसे पहला जो भाग था वो क्या था, x स्क्वायर के साथ वाले नंबर को बिना x वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुना 3 आ गया 6। साथ में देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस हो गया प्लस, तो ये आ गया प्लस 6। अब मुझे प्लस 6 के फैक्टर निकालने, 6 आएगा 6 के फैक्टर में, 6 के पहाड़ में 1 छिकम 6 और 2 तिया 6। अब मुझे देखना क्या है बच्चों, ये दो जोड़े बने हैं, पहला ये दूसरा ये, किस इसमें से किस जोड़े को प्लस या माइनस करके बीच वाली रकम बनेगी। 6 को एक करके आया प्लस करके आया 7, 6 में से एक माइनस करके आया 5, 3 में 2 प्लस करके आया 5, 3 में से 2 माइनस करके आया 1। इसका मतलब ये जो पहला जोड़ा है 6 और 1, इसको प्लस करके 7 आता है, तो इसका मतलब मैंने ये वाला जोड़ा लेना है। तो तरीका क्या है बच्चों, पहले भी सिखाया, पहली रकम ऐसे ही लिखनी है, आखिरी रकम ऐसे ही लिखनी है, बीच वाली रकम की जगह जो जोड़ा सिलेक्ट किया 1 और 6 वो दोनों लिख दो, दोनों नंबर x लगा के, इसके साथ x है तो दोनों के साथ x लगा दिया। अभी नंबर, अभी साइन नहीं बनाया, साइन के लिए देखेंगे यहां कौन सा साइन है, प्लस, प्लस का मतलब इन दोनों का साइन सेम होगा, यहां माइनस होता इन दोनों का साइन उल्टा होता, कोई प्लस होता कोई माइनस होता, लेकिन अभी यहां प्लस है तो इन दोनों का साइन सेम होगा, मैं प्लस नहीं कह रहा हूं सेम होगा, कौन सा होगा, दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, वो यहां से देखो, यहां प्लस है तो दोनों प्लस होंगे, यहां माइनस होता तो दोनों माइनस होते, अभी यहां प्लस है तो ये भी प्लस आ जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अब पहले दो नंबरों का एक जोड़ा, दूसरे दोनों नंबरों का एक जोड़ा बना दिया। अब ध्यान से देखेंगे इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, यहां 2 है लेकिन यहां नहीं है, यहां x है यहां भी x है, यहां 2x है यहां 1, तो 1x कॉमन आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से 1x बाकी चला गया, 2 बच गया, x स्क्वायर में से 1x बाकी चला गया तो 1x बच गया, उसके बाद 1x में से x बाहर चला गया तो बाकी रह गया 1। अब आगे आ जाओ, इस जोड़े में देखो यहां x है यहां नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आ सकता, ये 6 है ये 3 है, दोनों किसके पहाड़े में जा सकते हैं, 3 के पहाड़े में, तो 3 को कॉमन ले लो, 6x को 3 से भाग कर दो, 6 को 3 से भाग किया 2, बाकी बच गया x प्लस, 3 को 3 से भाग कर दिया तो बाकी बच गया 1। अब आप ध्यान से देखेंगे ये भी 2x प्लस 1 है, ये भी 2x प्लस 1 है, इसका मतलब अगले स्टेप में जाके ये 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, कॉमन आते ही बच्चों दूसरी रकम मैंने छुपा ली, इसमें से 2x प्लस 1 इधर आ गया कॉमन, बाकी क्या बच गया x, बाकी क्या बच गया x बच गया। इसी तरीके से दूसरी रकम में से 2x प्लस 1 तो कॉमन चला गया था बाहर, बाकी क्या बच गया 2x प्लस 1 बाहर चला गया, बाकी क्या बच गया प्लस 3, प्लस 3 क्या बचा प्लस 3 बचा, तो प्लस के साथ 3 बचा। अब ये जो दो ब्रैकेट्स आ गई यही जो है ये 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड है, 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 3। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको गुणनखंड करना आया होगा, और यदि बच्चों समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है कि हाँ आप बच्चे समझ रहे हैं हमारे वीडियोस को। धन्यवाद।